बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि दूसरे घर से आई हूँ तो अभी कुछ अपना काम शाम करना है, जो अभी का सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। आगे नहाई हूँ, नमाज माज पढ़ी है तो अभी काम शाम करना है वो करती हूँ और जो भी काम करना है वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्जी गोभी और आलू मैंने ले लिए हैं, सब्ज़ मिर्च भी इधर से लेती हूँ। प्याज प्याज भी सारे पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, बस थोड़े से लिए हैं फिर भी पत्नी किस तरह के प्याज आ रहे हैं। चलो जी, ये प्याज भी मैंने ले लिए और लहसुन इधर से लेती हूँ। अब एक लेनी है छोटी टोकरी, हाँ जी जी तो सर्टिफिकेशन पढ़ के आ गए जी है, बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हो मेरा बेटा, है ना। इधर ले आके किताबों में जरा मैंने सबक सुनाओ। इधर बैठ के काट लेती हूँ सब्जी से अरे तैयार करती हूँ। मैंने बना लिया क्योंकि नमाज पढ़ने लगी थी, असर की नमाज का टाइम हो गया था। अभी उसी तरह सब्जी प्याज और टमाटर, टमाटर नहीं है सॉरी, सब्जी मिर्च है बनाई कर दी गई मैंने, तो उसको बिल्कुल मसाला तैयार हो गया। अभी इसमें ऐड करती हूँ मसाले, प्लेट से ले गई है तो। और ये पानी में मैंने काट के गोभी और आलू भिगो के रखे हुए हैं तो अभी मैं मसाले निकाल लेती हूँ इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे आटा, बाहर खुराक लेने वाला आया था, अब मैं दे के आई उसे आटा। तो अभी क्यों कहते हैं कि कोई भी आए तो अपने घर से कोई मांगने वाला खाली नहीं जाना चाहिए, अल्लाह के नाम पे ही मांगते हैं, अल्लाह ही बरकत डालने वाला है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी किसी का साथ करोगे तो खुदा पता नहीं कितना तो देगा, तो इस वजह से मैंने मामा को आटा दिया था कि बाहर भेज के आऊँ। तो ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, इनको मिक्स करती हूँ और अच्छी तरह मसालों की बनाई भी करती हूँ। करने के बाद शोर ना करो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाले की भुनी अच्छी तरह करके मैंने आलू और गोभी डाल दिया, अब अच्छी तरह इसकी बनाई करती हूँ। और साथ साथ इसकी बनाई करते करते एक काम मैंने और करना है, जो ऊपर से कवर करती हूँ। और ये मैंने रखा हुआ है दूध जागर का, फिर उधर चली गई थी भाई के घर के लिए, ये पीछे ही रह गया है। तो अब सुबह फिर मक्खन की ज़रूरत है तो इसे भी साथ साथ रिड़क लेती हूँ हाथ वाली मदानी के साथ, क्योंकि इस तरह ही मैं रिड़कती हूँ। और मेरे पास बिजली वाली मदानी नहीं है, जहाँ ना कोई चाटी वगैरह है जिसमें बर्तन डाल के मैं रिड़क लूँ, तो इसी तरह ये करती हूँ। तो जो पहले वाला मक्खन है वो खट्टा हो चुका था, तो इसलिए वो बच्चों को पहले ही जुकाम बुखार है, तो वो मैंने गर्म करके बना के रख लिया है। तो ये वाला अभी रिड़क लूँगी तो सुबह फिर खट्टा नहीं होगा, फिर ठंडा पानी डालूंगी जब लस्सी वगैरह बीच में से ख़त्म हो जाएगी तो और घी बन जाएगा। तो अभी हाथ की मदद से जी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मगर अब की नमाज का भी टाइम होगा क्योंकि असर के बाद टाइम कम ही होता है, तो इसलिए अभी ये जल्दी जल्दी सारा काम फाइनल करती हूँ। जी हाथ से काफ़ी जल्दी हो जाता, गर्मियों के मौसम में जल्दी हो आ जाता घी, लेकिन सर्दियों में काफ़ी देर लग जाती है, तो इसलिए गर्मियों को फिर मैं इस तरह ही रड़क लेती हूँ, फिर सर्दी को जब थोड़ी देर को धूप में बाल्टी रखती हूँ तो गर्म होता है तो फिर जल्दी आ जाता, तो इस तरह करती हूँ। जिस तरह अपने घर का एक अंजाम तो चलाना ही है, जिस तरह भी चले चलाना तो पड़ेगा। अल्लाह पाक सारे
मेरे बेटी बेटे और मेरे शोहर कोलंबी संगीत है, उनके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये काम मेरा ही है। क्योंकि अगर करना चाहे औरत तो सब कुछ कर सकती है, अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती। घर भी बनाना चाहे तो बन सकता है, ना बनाना चाहे तो नहीं। अगर किसी के साथ प्यार हो, किसी का एहसास हो तो हर तरह से। इसलिए तो अभी ये इस तरह मैं सारा रिड़क लूँगी और साथ में पहले ये चम्मच भी एक दफ़ा चला लूँ क्योंकि मिर्ची ना लग जाए। अभी ऊपर से गोबर का तुम्हारे अच्छी तरह बनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन तैयार हो चुका है तो अभी इसमें डालने हैं जीरा और धनिया, थोड़ा सा हाफ टी मतलब और डालती हूँ। तो सालन माशाल्लाह जी आलू गोभी का तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो अभी मैंने बनानी रोटियाँ और साथ में जो मैं काम कर रही हूँ उसको ऊपर से कवर करती हूँ। साथ में ये मैं काम कर रही थी घी वाला, ये अभी घी नहीं आया। समीर आ बेटा इधर थोड़ी देर रखना, ये चलाओ इसमें इस तरह, तो मैं रोटियां बना लूँ साथ में ना सालन में मसाले वगैरह डालने वो डाल लेती हूँ, ठीक है ना। इधर आओ मेरा शेर, इधर ऊपर बैठ के ना आस्ता आस्ता जे कर दो घी आ जाए। सुबह मक्खन की फिर ज़रूरत है तो मक्खन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आ जाओ आ जाओ, अच्छा बच्चा मेरा, उठे उठे जल्दी जल्दी मेरा शेर, आ जाओ ना फिर नमाज का टाइम होगा। इस तरह आस्ता आस्ता करना बस, जल्दी घी आ जाए हैं, आस्ता आस्ता बिल्कुल, क्योंकि जो मक्खन आने वाला है ये बिल्कुल छोटा छोटा आ गया है ना, थोड़ा देर इस तरह करना पड़ेगा। चलो इधर बैठ के करोगे, इसे ऊपर बैठ जाओ हैं, इस तरह करके ना थोड़ी ऊपर पकड़ के आस्ता आस्ता, थोड़े जे तेज़ है इस तो बस इन्ना की जल्दी आ जाएगा। ऊपर आ गया तो बस थोड़ी जहा मोटा हो जाए ना, बरीक है ना, मोटा हो जाए तो फिर चल जल्दी कर। जसमीर बेटे को ये काम मैंने कर दिया। अभी इधर से मसाले निकालती हूँ, ये डालती हूँ और रोटी पकानी स्टार्ट करती हूँ। लाइट अभी आई नहीं है, सालन तैयार हो चुका है। मैं तीनों बच्चों के लिए मैंने डाल लिया क्योंकि ठंडा हो जाए, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें भूख लग गई है तो इसलिए नीचे से निकालती हूँ तवा। ये है जी तवा निकालती हूँ, मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। ये आटा मैंने डाल लिया, आटा फिर से भी निकाल लिया है। आया जी नहीं है जी, बस अभी थोड़ी देर रह गई है, अल्लाह सोने लेट आ जाए। मन नहीं रहा, रोटियाँ बन गई और ले लिया अपने, फिर आप भी पास जाओ। समीर बेटा भी ला गया, मैम आओ रोटी लो बेटा, आसान हो गई मगरब की, मैंने नमाज पढ़नी है पहले, मेरी रोटी पड़ी रहने दो। आ जाओ जल्दी आओ, खाओ अपनी रोटी बाहर बैठ के खाओ। हाँ जल जाएगा, क्या कर रही हो? जी बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं लगी हूँ नमाज पढ़ने क्योंकि आज बच्चे ने खाना शुरू कर दिया, मगरब की नमाज इनकी रह जाएगी। अब मैंने मना भी किया, कहते हैं हमें भूख लगी हुई है, अभी छोटे हैं। और कबीर बेटा, कबीर आप क्यों नीचे बैठे, आप ही ऊपर बैठ के खाते ना बेटा हैं। चलो खा लो जल्दी करो। मेरे बेटे ने अभी पढ़ना भी, बैग भी उसके पास ही है, तो मैं वजू करके नमाज़ पढ़ लूँ।